हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा। इस विशेष क्लास में आपका स्वागत है। हम आपको इस ट्यूटोरियल्स में बता रहे हैं वेडिंग वीडियो एडिटिंग के बारे में। वेडिंग वीडियो एडिटिंग करते समय ग्राफिक्स का बहुत अहम रोल होता है और हम आगे के कुछ ट्यूटोरियल में आपको बताएंगे कि ग्राफिक्स का प्रयोग करके आप किस प्रकार नए नए इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। हम आपको ये बताते हैं ये इफेक्ट कैसे बना हुआ है। कुछ नहीं किया गया, इसमें सिंपल ग्राफिक्स का यूज़ किया गया है। हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, उसके बाद एक और इफेक्ट आएगा ना, बहुत बढ़िया, ये वाला। ठीक है, ये दोनों इफेक्ट लेके चलते हैं और देखते हैं कैसे ये बनाया गया है। यहाँ पर सबसे पहले हम ये इफेक्ट बताते हैं किस तरीके से बनाया गया है। यहाँ पर इस सेकंड लेयर का तो ज़्यादातर हमको लग रहा है कोई यूज़ किया नहीं गया है। इस वाली लेयर जो ये लेयर बनाई गई है, इसको डिलीट करके देखिए। इसको जब डिलीट करते हैं कोई अंतर नहीं आ रहा है। अच्छा है, थोड़ा सा है, कुछ कलर पे इफेक्ट आया हुआ है। अब यहाँ पर ये कैसे बनाएगा, सबसे पहले तो यहाँ देखिए ये जो चीज़, इनको ध्यान से देखना है। इसको हम रेंडर कर लेते हैं तो ये प्रॉपर दिखाई पड़ेगा, तो बार बार अटकेगा। इसको आप जितना पोर्शन आपको चाहिए उतने आप पोर्शन को आप रेंडर कर लीजिए। ऊपर ट्रांजिशन देखिए, यहाँ पर स्पेस है तो यहाँ पर भी कल 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 लीजिए। जो भी पोर्शन आपको प्ले करना, रेंडर ना होने की वजह से ये अटक अटक के चलता है। ये जो रेड लाइन येलो लाइन है इसकी वजह से रेंडर होता है। आप इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, रेंडर में जाइए, यहाँ पर होता है रेंडर सीक्वेंस, रेंडर रेड एरिया, रेंडर ऑरेंज एरिया, या एंटायर, या कर्सर एरिया, या इन आउट। तो यहाँ पर आप चाहें तो इन आउट लगा दीजिए, ऐसे इन लगा दीजिए और यहाँ पे जा करके आउट लगा दीजिए, तो ये एरिया आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप रेंडर में जाइए, रेंडर सीक्वेंस में जाइए, रेंडर इन आउट एरिया या दोनों, यहाँ आल पे क्लिक करेंगे फिर रेंडर की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, टाइम लेगी एक बार, क्योंकि ये प्रॉपर प्ले करने के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि ये प्ले नहीं करेगा। यहाँ पर पहले इतने दे देते हैं। देख रहे हैं आप, अब इसमें क्या क्या किया गया है। अब देखिए, एक ये दिल का ग्राफिक्स है, एक ये ग्राफिक्स है और एक ये बैकग्राउंड है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या किया गया। सबसे पहले यहाँ पर देखिए वीडियो में क्या किया गया। वीडियो में जो ट्रांजिशन आपको वीडियो ये ट्रांजिशन मिल रहा है, ये देख रहे हैं, ये जो ट्रांजिशन मिल रहा है ये बेसिकली वीडियो पे ट्रांजिशन लगाया गया है। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ नीचे यहाँ पर आप देखिए ये आपके ट्रांजिशन लगे हुए हैं। अब ये ट्रांजिशन आपको खुद ही लगाने पड़ते हैं, ये ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन आपको इफेक्ट में जब जाते हैं यहाँ पर बहुत सारे ट्रांजिशन आपको मिलते हैं। ये वीडियो फिल्टर्स हैं, यहाँ पर आपको ये ट्रांजिशंस मिलते हैं, ये देख रहे हैं, ये सारे ट्रांजिशंस की पूरी लिस्ट है। इसको यूज कैसे करते हैं अभी हम बताते हैं आपको, इसको किस प्रकार यूज किया जाता है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये जो सीक्वेंस बनाया गया है ना वीडियो का, इसको क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, कैसे बनाएंगे इसको, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो इन आउट ऑटोमेटिक हट जाएगा आपका। बिन में जाइए, बिन में आपके पास ये फुटेज पड़ी हुई है। अब फुटेज को आप ट्रांजिशन यदि लगाना है तो आप जब डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूरी क्लिप नहीं ले सकते, तो आपको थोड़ा सा इन और थोड़ा सा आउट लगा के थोड़ी क्लिप को छोड़ना पड़ता है। इसको आप यहाँ पर कुछ क्लिप्स को आप लगा लें, यहाँ पे जो भी फुटेज चाहिए। आप पूरी की पूरी क्लिप लाएंगे तो ट्रांजिशन लगाने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए थोड़ा सा कम क्लिप ले करके आते हैं। ठीक है, लग गया। अब यहाँ पर हम ट्रांजिशन का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर ट्रांजिशन आप जब देख रहे हैं तो ट्रांजिशन यहाँ पर कौन सा ट्रांजिशन प्रयोग किया गया है आपको ये जानकारी होनी चाहिए। ट्रांजिशन ये कौन सा है ये कैसे पता चलेगा, यहाँ पर जब ट्रांजिशन को सेलेक्ट करेंगे तो उस ट्रांजिशन का नाम आपको यहाँ पर आ जाएगा। ये आपको इफेक्ट में जब जाएंगे यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये वाला ट्रांजिशन है कहाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता हो ब्लाइंड वेव कहाँ है, या तो आप यहाँ से सर्च कीजिए कहाँ पर है। तो यहाँ से आप कोई भी, ये ब्लाइंड वेव का ऑप्शन दिख रहा है जीपीयू में,
आप इसको देखिए ब्लाइंड, यहाँ पर आपको सब दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ये ब्लाइंड व्यू होल्डर दिख गया। अब यहाँ पर कौन सा, अब ये देखिए, यहाँ देखिए आप पता चल रहा है कौन सा ऊपर से नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, सही राइट टू लेफ्ट जा रहा है, ये राइट टू लेफ्ट जा रहा है, चारों ऑप्शन है। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या लगाया है, पहले आपका ये देखिए वीडियो ऊपर से नीचे आ रहा है, दोबारा कौन सा लगा है, राइट की लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तीसरा फिर ऊपर से नीचे आ रहा है, इस तरीके से आप ट्रांजिशंस का प्रयोग कर लेते हैं। यहां पर जब हम थोड़ी छोटी छोटी कर देते हैं, ऐसे ड्रैग करके भी इनको आप आराम से रख सकते हैं। अब यहां से इस क्लिप को ड्रैग कीजिए, यहां पर ड्रॉप कर दीजिए। अब आप इसको प्ले करके देखेंगे, आपके सामने वही इफेक्ट आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट वाले अलग डाल दीजिए, फिर अप डाउन है, ये चारों हमने उठा के लगा दिए, तो ये अलग अलग तरीके के इफेक्ट आपके सामने ये क्रिएट करेंगे, देख रहे हैं। ये ट्रांजिशन होते हैं जिनको आप दो क्लिप के बीच में लगाते हैं, ओके। अब इसके ऊपर और क्या बनाया गया है, अब देखिए यहाँ पर, अब आपका ये नीचे वाले वीडियो तो तैयार हो गए, अब इसके ऊपर ये ग्राफिक्स कैसे लगाया जाएगा, ये आपके सामने ग्राफिक्स का कलेक्शन आपके पास होना चाहिए। हम यहाँ पर बताया था इस क्लिप को हम यहाँ लोड करने के लिए क्या करना पड़ता है, लेयर को सेलेक्ट, उस ट्रैक को सेलेक्ट करें, इसको उस क्लिप को सेलेक्ट करें, एफ प्रेस करें, एफ फॉर मैच फ्रेम, जो आपको यहाँ पर क्लिप में मैच फ्रेम में यहाँ पर होता है एफ, क्लिक करेंगे तो ये वाली क्लिप आपको यहाँ पर लोड हो जाएगी। अब आप देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, ये एक ग्राफिक्स है, इसको आप उठा करके यहाँ पर ये यहाँ पर हम ले आए, ठीक है। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये जो एरिया है, ये एरिया ब्लैंक नहीं है, इस एरिया में वीडियो चाहिए, तो आपके सामने दो ऑप्शन है, इस एरिया को या तो हटाया जाए या इसको किसी तरह ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। तो ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए हम लोग कई सारे तरीकों का यूज़ करते हैं, एक तो ब्लेंड ऑप्शन का यूज़ करते हैं जो हमारा यहाँ पर उपलब्ध होते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, आपका ये एरिया भी आपका मिक्स हो जाएगा क्योंकि ब्लेंड पूरे ऊपर यूज करते हैं। तो आप चाहें, अब देखिए यहाँ पर क्या यूज़ किया गया, इसको हम सेलेक्ट करते हैं, क्रोमा की, यहाँ पर क्रोमा की यूज़ की गया है, ये तो क्रोमा की आपको ब्लेंड में मिलता है, क्लियर में मिलता है, ये क्रोमा की है, इसको ड्रैग किया और इसके ऊपर हमने ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप करने के बाद यहाँ क्रोमा की आ गया। अब देखिए क्रोमा की ने ऑटोमेटिक इस पोर्शन को हटा दिया जैसे ड्रॉप किया, लेकिन हमें ये पोर्शन नहीं चाहिए, इसको सेलेक्ट करके इसके पैरामीटर्स को हम ओपन करेंगे, इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ये कलर पिकर को सेलेक्ट करेंगे और व्हाइट पे क्लिक करेंगे। अब जब व्हाइट पे क्लिक किया तो व्हाइट वाला पोर्शन देखिए ट्रांसपेरेंट हो गया, जिस पोर्शन को आप क्लिक करेंगे वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, और अब ओके कर लीजिए तो अब आपका ये एरिया क्रोमा हो गया, देख लीजिए एकदम से क्लियर। अब नीचे का वीडियो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ने लगा, देख रहे, ठीक है, ये आपको दिखाई पड़ने लगा। आप क्या करें, आप चाहिए ये छोटा है तो इसके हम लूप बना सकते हैं, इसको कंट्रोल की सी करें, इसको यहीं पर हम कंट्रोल बी कर देंगे, या इसको सेलेक्ट करके यहाँ कॉपी कर लें और कर्सर लास्ट में रख करके इसको हम पेस्ट कर देते हैं, तो एक और लेयर आपकी यहाँ पर बन जाएगी। तो जितना एरिया आप चाहें उतने एरिया में आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर और क्या क्या किया गया है, ये क्या है, ये क्या, इस ग्राफिक्स को थोड़ा सा और चेंज करने के लिए जब दो ग्राफिक्स को मिक्स करते हैं तो हम ब्लेंड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर इसको भी यही सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम एफ मारेंगे, एफ इसलिए मार रहे हैं कि हम पूरा फ्रेश लेके आ रहे हैं, यहाँ चाहे तो यहीं से उठा के हम लगा सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जैसा कि आपके हार्ड डिस्क में ग्राफिक्स होता है वैसा ही फीलिंग हम यहाँ देने की कोशिश कर रहे हैं, कि उसी तरीके से इसको हम ला करके यहाँ पर हम इसके ऊपर रख देते हैं। अब यहाँ पर जब रखते हैं तो ये ग्राफिक्स भी आपका ट्रांसपेरेंट तो है नहीं, पूरा वीडियो है तो नीचे का कुछ दिख नहीं रहा, तो इसको देखने के लिए एक तरीका ये होता है कि या तो आप इसकी ओपेसिटी कम कर दीजिए या यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड का यूज़ कीजिए। ओपेसिटी कम करने का अच्छा तरीका क्या होता है, यहाँ पर हम शिफ्ट बटन प्रेस करते हैं और इस पर क्लिक करिए तो ये पूरी ओपेसिटी यहाँ पर क्लिक हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप देखिए यहाँ पर आपको दिल पूरा बना हुआ दिखाई पड़ेगा,
देख रहे हैं हल्का सा। एक तो तरीका ये है, इससे हम इसकी ओपेसिटी को कम कर सकते हैं, या दूसरा कोई तरीका है, आपके पास ब्लेंड ऑप्शन होते हैं, इन ब्लेंड ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन यहाँ पर लेके इस पर ड्रॉप करें तो ये ऑटोमेटिक अलग तरीके से आपको मिक्स हुआ दिखाई पड़ेगा। देख रहे हैं, इसको दोबारा रिमूव करें, यहाँ और बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, किसी का आप यूज करेंगे तो अलग अलग तरीके से आपको ये दो ग्राफिक्स आपस में मिक्स होते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये एक तरीका है, आप चाहे ओपेसिटी से कम कर लीजिए या ब्लेंड मोड का यूज करके ऐसे आप मिक्स कर सकते हैं। ये आप बन गया, अब ये क्लिप छोटी है तो इसको आप यहाँ पर कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर्सर को यहाँ रखिए और इसको पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आपको देखिए वीडियो के साथ में दोनों ग्राफिक्स आपको प्रॉपर दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पर ट्रिम करके इसको छोटा कर सकते हैं। यू आर वॉचिंग मंत्रा ट्यूटोरियल्स फॉर वेडिंग वीडियो एडिटिंग। सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।